बता रहे हैं तुम जान ना रहे हो, थोड़ा अधिकारी को आ जाने दीजिए। आप 5 बजे तक के लिए तो खुद ही परमिशन लेके आए हो, फोन दिक्कत आ रही है, हम मना कर रहे हैं, पर अधिकारी से पूछ लिया जाए। कहाँ पर फोन करे तुम? अधिकारी का कोई काम नहीं है। अरे कल जो तालिबान में धमाका हुआ है उसका है, जो बच्चों को मार दिया गया है। इसके साथ मौजूद थी यूपी प्रेस क्लब जहाँ मोहम्मद आफाक मौजूद हैं। उन्होंने अभी भी अमरीकी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया है, किस लिए उन्होंने पुतला दहन किया उनसे बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आफाक है, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन का संयोजक हूँ। हमारे साथ सामाजिक संगठन सारे लोग अंदर मौजूद हैं, क्योंकि समय 4 बजे का था, इस वजह से हम लोग ने ट्रंप का पुतला दहन किया है। कल में वहाँ पर जो अफगानिस्तान में बच्चों को नरसंहार बच्चों के साथ हुआ, बच्चे तालीम से पूरे अपने मुकम्मल हो रहे थे, उसी वक्त जो है वहाँ पे बमबारी की गई है और वहाँ पे मासूम बच्चों की हत्या हो गई। और मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो उन बच्चों की हत्या हुई, उसी विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रंप का पुतला जलाया है। और ये हम मांग करते हैं कि भारत सरकार से भी कि यहाँ की सिफारतखाने उसके बंद किए जाएं, क्योंकि वो सबको निशाना बना रहा है। धीरे धीरे हमारे भारत पे भी उसकी नज़र है, विदेशी ताकतों की। ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है, आने वाले दिनों में बहुत ये बात समझ में आएगी कि विदेशी ताकतें हमारे देश पे धीरे धीरे हावी होती जा रही हैं। ये आज वो तालिबान का मामला नहीं है, विदेश यहाँ ये पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अमरीका अपनी तानाशाही चला रहा है। और जिसको वो आतंकवादी बता रहा है, वो खुद ही आतंकवादी, असलहों का खरीद फरोख्त वही करता है, असलहों की तो देख देख वही करता है। इसीलिए हम लोग ने पुतला जलाया है और उसका विरोध किया है। पूरे भारत में उसके कोने कोने में ट्रंप के पुतले जलाऊंगा और विरोध प्रदर्शन करूंगा। ये मांग करूंगा कि भारत सरकार उसके सिफारतखाने बंद करे, वरना उसके सिफारतखानों में घुस के और वहाँ के जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ भी सख्ती से राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता सहयोगी संगठनों के साथ विरोध करेगा। जैसे मोहम्मद आफाक ने बताया कि लगातार उनका संघर्ष जारी है और लगातार पुतला दहन कर रहे हैं, वो पूरे भारत में इसके लिए एक मुहिम छेड़ेंगे और पुतला दहन करेंगे इसके खिलाफ। जो ये जो मामला सामने आया, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।